रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में स्क्रब टाइफस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और पिछले कुछ दिनों से ही स्क्रब टाइफस के हमीरपुर जिला में 42 मामले सामने आए हैं, तो मलेरिया ने अपने पांव पसारते हुए 12 मरीजों को जकड़ लिया है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरसात के मौसम में पनप रही बीमारियों के चलते ही स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया है और पूरी तरह से सक्रिय होकर स्क्रब टाइफस से निपटने के लिए तैयार हो गया है। हमीरपुर में स्क्रब टाइफस के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और पिछले कुछ दिनों से ही स्क्रब टाइफस के हमीरपुर जिले में 42 मामले सामने आए हैं, तो मलेरिया ने पांव पसारते हुए 12 मरीजों को जकड़ लिया है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरसात के मौसम में पनप रही बीमारियों के चलते ही स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया है और पूरी तरह से सक्रिय होकर स्क्रब टाइफस से निपटने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि उपचाराधीश मामलों को निपटाया जा चुका है और किसी भी मरीज को जानी नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिला भर में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि स्क्रब टाइफस पिस्सू के काटने से फैलता है और खासकर बरसात के दिनों में झाड़ियों और घास में पिस्सू जमा हो जाते हैं जो कि लोगों को काटते हैं। इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग इस काम के लिए आशा वर्करों को भी लोगों के घरों में जाकर जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस तरह बरसात के दिनों में मलेरिया, डेंगू और स्क्रब टाइफस के कारण हमीरपुर के लोगों में दहशत बनी हुई है। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि अभी तक जिला भर में 42 स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए हैं और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि बचाव किया जा सके। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में पिस्सू के काटने पर स्क्रब टाइफस होता है और इसके बचाव के लिए पूरे शरीर को ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए और पैरों में जूते पहनकर और चश्मा लगाकर ही खेतों में काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि मलेरिया से भी हमीरपुर में एक दर्जन केस सामने आए हैं जिसका उपचार हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। क्योंकि आजकल बरसातों का सीज़न है और झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ जगह जगह ज़्यादा फैल रही हैं, इसलिए और ये स्क्रब टाइफस जो है एक स्पेसिफिकली एक पिस्सू के काटने से होता है। अभी तक हमारे ज़िला में अराउंड 42 के आसपास केसेस आ चुके हैं जिनका जो उपचाराधीन हुए हैं और वो रादर ठीक होके चले भी गए हैं। ऐसा कोई सीरियस केस नहीं है जिसको रेफ़र करना पड़ा हो ओवरऑल। और हमारे इसके साथ साथ हमारी आईसी एक्टिविटी चल रही है, इसके लिए जगह जगह हम लोगों को इससे स्क्रब टाइफस से बुखार से बचने के तरीके, अपने घरों में कैसे रखना है, क्या झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए और अगर खेतों में जाना है तो फुल बाजू के कपड़े पहन के जाओ, ऐनक लगा के जाओ या चश्मा या बूट पहन के जाओ ताकि आपको प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सके, यानी कि इस पिस्सू से बचने के तरीकों को हम कर सकें कि कैसे बचाया जा सकता है। इनकी हम रादर हमारी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू, आशा वर्कर्स के थ्रू ब्लॉकों में रेगुलर आईसी एक्टिविटीज़ चली हुई हैं और लोगों को जगह जगह ग्राम पंचायतों में, महिला मंडलों में, जहाँ भी हमारी गैदरिंग है, हम लोगों को इसके बारे में समझा रहे हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। ही हमारे यहाँ केसेस निकल चुके हैं, 12 केसेस निकल चुके हैं अभी तक और उनकी ट्रीटमेंट जो मेडिकल कॉलेज में भी डायग्नोज हुए हैं और ट्रीटमेंट हमने यहाँ से दिया है उनको। और मलेरिया से बचने के लिए हमारे यहाँ विभिन्न कार्यक्रम चले हुए हैं, एडवाइजरी मैंने इशू की है हमारे स्टेट लेवल से, वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, सब ने एडवाइजरीज इशू की हैं और उसी को फॉलो करते हुए हमने जिला स्तर पर भी एक एडवाइजरी इशू की है। और बार बार हम लोगों को डेंगू से और मलेरिया से बचने के तरीके बता रहे हैं। जो मलेरिया है वो गंदे कीचड़ वाले पानी में होता है, तो उसमें कैसे बचा जा सकता है, स्प्रे करना है, लोकल स्प्रे करना है। और जो डेंगू का मच्छर है वो साफ़ पानी में होता है, तो उसके लिए हमारी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हमारे ज़िला में बहुत सक्सेसफुल हो रही है कि हम हर शुक्रवार को एक ड्राई डे मना रहे हैं। ड्राई डे मीन्स कि हमारी आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स गांव स्तर पर जाके विलेज लेवल पर हर टैंकियां साफ़ करवाई जा रही हैं,
और फिर जहाँ भी कहीं रुका हुआ पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, साफ पानी है, वहाँ उनको चाहे कूलर का है, चाहे रबड़ की ट्यूब के ऊपर है, चाहे घड़े में पड़ा है, कहीं भी सोर्स ऐसा लगता है, तो हम उनको साफ़ करवा रहे हैं, उल्टा रहे हैं, इसको हम ड्राई डे बोल रहे हैं। इसके साथ साथ अभी अभी हमारे यहाँ एक केस डेंगू का पॉजिटिव निकला भोरंज से, तो हमारी नो डाउट हमारी एडवाइजरी तो इशू हो चुकी है, हमारी वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ भी इसके बारे में डिटेल में मीटिंग हो चुकी है और उनके सुझावों को बीच में रखते हुए हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है। और इसके साथ साथ जैसे भोरंज में हुआ भी एक केस निकला है, तो उसके लिए हमने वहाँ एक स्पेशल कैंपेन चलाई पता लगाने के लिए कि ये डेंगू का पेशेंट, डेंगू का बुखार कैसे हुआ, रादर वो बेसिकली पीजीआई से डायग्नोज हुआ है। तो उसके लिए हमने फिर उस गांव के आसपास की सारी आईसी एक्टिविटी की, ड्राई एक्टिविटी की, ताकि बाकी लोगों को, उस एरिया के बाकी लोगों को डेंगू जैसी बीमारी से बचाया जा सके। तीसरा ये मलेरिया है, मलेरिया के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, और जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जो जहां हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, रोकथाम की ज़रूरत है, जहां हम कैसे रोका जा सकता है, किस ढंग से हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो हमारे हेल्थ एजुकेटर्स, एक टीम वर्क, बेसिकली इट इज़ अ टीम वर्क, एक हमारे हेल्थ एजुकेटर्स, हेल्थ सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, आशा वर्कर्स अलोंग विद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, हेल्थ ऑफिसर हैं, रादर वी ऑल आर डूइंग इन ए प्रॉपर वे, ताकि एटलीस्ट कोई ऐसा केस हमारे पास, हम उनको प्रिवेंट कर सकें।